पुन्नी कंपनी के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया गया है वो एक साधारण किसान को बनाया गया है, जो एक बहुत बड़ी बात है। नमस्कार, पुन्नी सुपर सीडर मशीन ने अपना एक साल जो है शानदार जो है पूरा किया है, और एक यहां पर एक कमाल की बात हुई है जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे आप देखते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े वो आप देखते हैं कि ब्रांड एम्बेसडर बना देते हैं, कोई एक्टर को लेके आता है, कोई मतलब जो बड़ी बड़ी हस्तियां होती है उनको वो बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर पुन्नी कंपनी के अंदर एक बड़ा ही कमाल की चीज़ देखी है, शायद आपने भी ना देखा हो, कि यहाँ पर एक किसान को बनाया गया है। पुन्नी कंपनी के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया गया है वो एक साधारण किसान को बनाया गया है, जो एक बहुत बड़ी बात है। और हम बात भी करवाएंगे कि किस प्रकार उन्होंने क्या सोच के, क्योंकि इससे पहले कभी किसी किसान को इस प्रकार से बनाते हुए नहीं देखा। तो सर, आपने जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां है, बड़ी बड़ी हस्तियों को, फिल्मी एक्टर है या फिर जो अच्छा बड़ा नाम होता है उनको ये वो बनाते हैं, लेकिन आपके मन में क्या आया कि आपने किसान को चुना इसके लिए? पहले तो मैं स्वागत करना चाहूँगा सभी साथियों को जो आज हमारे यहाँ पर पहुँचे हैं एक छोटे से बुलावे पर। मैं आता हूँ आपके सवाल की तरफ। जो ब्रांड एम्बेसडर बनाने का जो भी सिलसिला चल रहा है, तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को सब कंपनियां ब्रांड एम्बेसडर बना रही हैं, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि ब्रांड एम्बेसडर को उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और प्रोडक्ट के बारे में जानकारी सबसे बेहतर किसान रख सकता है, और किसान से बड़ा आज कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं हो सकता, क्योंकि जानकारी प्रोडक्ट के बारे में सबसे बेहतर किसान रखता है। हम लोग प्रोडक्ट बना लेते हैं, लेकिन उसको चला करके उसके बारे में जो बारीकियाँ हैं वो किसान हमसे ज़्यादा बेहतर समझता है, तो इसलिए एक ब्रांड एम्बेसडर एक आम किसान को होना ज़्यादा बेहतर है। तो सर, सबसे पहले हम शुभकामनाएं भी देंगे, तो आपने कम से कम किस ये तो सोचा कि जो किसान है वो जानता है, उनको आपने चुना, तो लोग भी जो है इस चीज़ के लिए आपकी तारीफ कर रहे हैं। ये न्यू ओरिएंट आया था बिना एबीसी के, आई लोकेशन न्यू ओरिएंट 36 इसको फोर्थ 36 बोला जाता था।